बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सरफराज की जानिब से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज से हम फोटोशॉप CS6 कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें बेसिक से एडवांस तक हर चीज़ आपको बताई जाएगी। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा प्रैक्टिकल पर तवज्जो देंगे। अगर हम इस कोर्स का आउटलाइन बनाएं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बेहतर यह है कि हम ज़्यादा सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ों को तरजीह दें, वो बेहतर रहेगा। फोटोशॉप एक वसी प्रोग्राम है। अगर हम जितने भी ट्यूटोरियल इस पर बनाएं फिर भी कम होंगे। फोटोशॉप में लोग वीडियो एडिटिंग भी करते हैं। पर आप दोस्त कहेंगे फोटोशॉप में वीडियो एडिटिंग? जी हाँ भाई, फोटोशॉप में वीडियो एडिटिंग भी होता है और वेब डिज़ाइनिंग भी करते हैं और बहुत कुछ। हम सिर्फ इस कोर्स के दौरान कोशिश करेंगे फ़ोटो एडिटिंग कैसे बनाएंगे, लोगो डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे, ब्रोशर कैसे बनाएंगे, लायर कैसे बनाएंगे, किसी कंपनी की लेटर पैड और बिजनेस कार्ड कैसे बनाएंगे। हम कोशिश करेंगे हर चीज़ प्रैक्टिकली सीखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगो डिज़ाइन करेंगे, मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस कार्ड बनाएंगे और लेटर हेड भी डिज़ाइन करेंगे। एक बात है, अगर हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए, शौक हो, हमें फोटोशॉप सीखना है, इसके बाद हम कैसे इसे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करेंगे, हम कैसे एडवांस एडिटिंग कर सकते हैं, बैनर बनाएंगे और कैसे फ्लाय और ब्रोशर किस तरह से अच्छे अच्छे तरीके से डिज़ाइन करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम फोटोशॉप ओपन करेंगे। जी हाँ व्यूअर्स, ये फोटोशॉप हमने ओपन किया है। इधर पहले जो हमें दिखाई दे रहा है वो आपको पता होगा, दूसरे प्रोग्राम की तरह ये भी मेन्यू बार कहलाता है। और नीचे वाला ये जो हमारा है, ये हमारा प्रॉपर्टी बार है, इधर ये हमारा टूल बार है और साइड में इधर हमें पैनल दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सादा इसका इंटरफेस है। जी व्यूअर्स, सबसे पहले हमें इधर मेन्यू बार में जाना है। इधर न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू आपको ये तो पता है, जब किसी चीज़ हम फाइल ओपन करें उस पर काम करना चाहें तो हमें न्यू पर क्लिक करना होगा। तो हमें सबसे पहले न्यू फाइल ओपन करना है। इधर न्यू पर क्लिक करेंगे, इधर आपको इधर न्यू दिखाई दे रहा है, ये इसका सेटिंग है। हम किस तरह न्यू पेज ओपन करेंगे? सबसे पहले इधर अनटाइटल्ड, इधर हमारे फाइल का नाम क्या है, इधर हम फाइल का नाम देंगे। फर्ज कर इधर हमें देना है Class 1 लिखते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने काम के हिसाब से। Class 1 लिखा है। Class 1 के बाद इधर हमारा है विड्थ, क्या इसका होना चाहिए, तो इसके बाद है प्रीसेट। इसका हम प्रीसेट सेट करेंगे क्योंकि मैंने 1280x720 कस्टम पे काम कर रहा हूँ। अगर हमें डिफ़ॉल्ट फ़ोटो साइज़ करेंगे तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा US पेपर में आएंगे। US पेपर में इधर हम क्या दिखाई दे रहा है, लेटर लीगल हो, मतलब किस तरह का अगर हम उसके लेटर बने जिस तरह हम प्रिंट करना चाहें। इसके अलावा इंटरनेशनल पेपर में आएंगे। इंटरनेशनल पेपर मानेंगे पेपर का क्या साइज़ है हमारा, मतलब कौन से प्रिंटिंग के टाइम इसका क्या साइज़ हम सेट कर सकते हैं। A4 है, A6 है, B5 है, B4 है और मुख्तलिफ इसके साइज़ हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, फ़ोटो। हम फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। फ़ोटो हमारा किस मतलब साइज़ का होना चाहिए, लैंडस्केप हो, पोर्ट्रेट हो, यानी जिस टाइप का हम इसे रखना चाहें हम वही करते हैं। फ़िलहाल इधर हमें लैंडस्केप ऑटो सेट किया हुआ है। तो नेक्स्ट फ़ोटो के आगे हम वेब के लिए भी हमारा मतलब वेब पेज है, उसका क्या साइज़ होना चाहिए, क्या डिज़ाइन हम उसके बनाना चाहते हैं, मतलब जो हमें दें वो साइज़ हम इधर इसका सेट कर सकते हैं। वेब के आगे हमारा अगला ऑप्शन है मोबाइल एंड डिवाइस। मोबाइल एंड डिवाइस के लिए हम अगर कोई डिज़ाइन करना चाहें तो वो इसके साइज़ भी हमें बता रहा है, 240x320, 320x480, मतलब जो साइज़ हम इसका सेट करना चाहें वो साइज़ हम इसका रख सकते हैं। मोबाइल एंड डिवाइस से हमारा जो अगला ऑप्शन है फिल्म एंड वीडियो। फिल्म एंड वीडियो के लिए हम इधर इसका साइज सेट कर सकते हैं। नीचे देखें फिल्म 2K 4K तक भी ये सपोर्ट करता है, मतलब जिस साइज़ का हम फिल्म के लिए बनाना चाहें तो वो भी हम इधर सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहने देते हैं। तो डिफ़ॉल्ट में सबसे पहले इधर है विड्थ हम सेट करेंगे क्योंकि मेरा ऑलरेडी कस्टम बना हुआ है तो मैं इस पर काम करूँगा। सॉरी, कस्टम में भी इधर 7 लिखा हुआ है। इधर हम करेंगे 1280
इधर इंचेस है, अगर हम इंचेस में काम करना चाहें तो इंच सेट करें, सेंटीमीटर मिलीमीटर, तो इधर हम पिक्सल में काम करेंगे, 1280 बाय 720 पिक्सल। अगर हम इंचेस में काम करना चाहें, जिस तरह हम कोई बिजनेस कार्ड बनाते हैं, ब्रोशर बनाते हैं या फ्लायर वगैरह कोई चीज़ बनाते हैं, तो सबसे पहले इधर हम साइज़ उसका सेट करेंगे। अगला ऑप्शन है हमारे पास रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि हमारी तस्वीर फटेगी नहीं, तो ज़्यादा पिक्सल हो तो बेहतर रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम 300 इधर रख सकते हैं। इसके हमारा अगला ऑप्शन है RGB, मतलब ग्रे स्केल भी रख सकते हैं। RGB मतलब हम एक एक करके स्केच चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम ग्रे जी और से हमें ग्रे दिखाई दे रहा है, मतलब हम इसका कुछ भी रख सकते हैं। ज़्यादातर ये है कि RGB है CMYK के लेब कलर, तो ज़्यादातर हम RGB में काम करते हैं, तो RGB सिलेक्ट करेंगे। बैकग्राउंड कंटेंट इधर वाइट देंगे या ट्रांसपेरेंट कुछ भी दे सकते हैं, तो वाइट देंगे तो बेहतर रहेगा। इधर एडवांस को फ़िलहाल हम रहने देते हैं, इसे करते हैं ओके। जैसे ही ओके करेंगे ये हमारा नया शीट हमारे साथ ओपन हुआ है। तो सबसे हम पहले करना क्या है, इधर मेन्यू बार है, मेन्यू बार ऐसे डबल में हम रखेंगे भी रख सकते हैं, अगर नहीं तो इधर दो कोने में दो डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे हम इस तरह भी इसके रख सकते हैं। अगर हमारा खुदा ना कास्ता ये कोई गायब हो जाए, हमें दिखाई ना दे, इसे भी हम क्लोज कर देते हैं। और इधर साइड में हमारे पैनल बार है, इधर लायर हमारा कोई दिखाई ना दे, तो हम इसे कैसे दोबारा वापस कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। हम विंडोज़ में जाएंगे, उसमें जाने के बाद हम वर्क स्पेस पर क्लिक करेंगे, इधर नीचे हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है रीसेट एसेंशियल, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इधर क्लिक करेंगे इधर साइड में हमारा पैनल में जो लायर बार है वो भी हमें शो कर रहा है, इधर जो टूल बार है वो भी इधर हमें दिखाई दे रहा है।